अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की करि रहल छै? घर पर मुर्गा के नाप रहल छै। इतना छोटा मुर्गा कथी लए दीदी बेचै छियै? इतना छोटा मुर्गा बेचला से कोनो फायदा थोड़े छै, कुछ ज्यादा दिक्कत छै की दीदी? इतना छोट मुर्गा बेचै छियै? कोई दिक्कत तो नहीं रहे, मगर शाम तक मुर्गा के बेच के अब छोट मोट कुछ काम करबे। अब कोई खास दिक्कत नहीं है छे, 25-30 दिन और अगर रुकी जाती है तो ज्यादा लाभ होती है। कहने से कि इंतजार के फल मीठा हुए छे, यदि चाह तो तोरा हम लाभ की और भी बात बता सके छियो। भैया की फायदा छे वो जाने के लिए हम चाहे छे। जीविका तो दीदी आर के लाभे के लिए ने मुर्गी उपलब्ध करा रहलो छे। दीदी 25 दिन में ये मुर्गा 900 ग्राम के होले, 900 ग्राम के होले 25 दिन में मुर्गा मदर यूनिट से निकलने के बाद, एकरा और रखने के बाद जे छे की आर लाभ होते हम अपना के समझा देवे कॉपी कलम पर कि एकरा और अगर 20-25 दिन रखलो जाए तो कितना लाभ होते। चल भैया ये मुर्गा रख, चल हमरा बता की छे। भैया हमरा साथ में यो दोनों दीदी आ गेल छे फायदा के लिए जाने के लिए। दीदी बात ही रहे कि 25 दिन पर जे अभी जे हिसाब से बेच रहल लिए ओना बेचला से की लाभ छे, 25 दिन बाद बेचले पर की लाभ मिलते, वो हम अभी तोरा दोनों चीज नहर के सामना में अभी तुरंत दिखा दे छे। अब दीदी हम देखवे छे कि मदर यूनिट से 25 दिन मदर यूनिट से लेले के 25 दिन बाद बेचले पर की लाभ होते वही पर नाम देखेबे, और अभी से 25 दिन बाद इंतजार 25 दिन इंतजार करके यदि बेचे छे तो वही से की लाभ मिलते वो हम यहाँ के ई पन्ना पर देखेबे, दोनों चीज एक साथ देखवे छी। थोड़ा ध्यान रखबे दीदी पर, ठीक छे? दीदी यहाँ के हम देखवे छी एक साल में यहाँ के जिस तरीका से 60 मुर्गी या मुर्गा मिले छे वही से यहाँ जे मुर्गी हुए छे अंडा उत्पाद के लिए रखे छी, बाकी के खुदरा खन धीरे धीरे बेचले चल जाए छे। तो एक मुर्गी के की वजन जे तरीका से अभी यहाँ नाप के बेच रहा लिए, तो दीदी 60 मुर्गा जे अपना पास से ओकरा अगर 900 ग्राम के वजन से बेचे छे 54 किलो होले, प्रति एक किलो अगर 100 रुपया के हिसाब से बेचे छे तो 54 किलो के दाम हो गए 5400 रुपया। एक साल में जो 60 मुर्गा या मुर्गी दीदी प्राप्त कर लके वे में दीदी का 900 रुपया 60 मुर्गा का पाले में दीदी के लागत लगले। 900 ग्राम के ही चूजा बेचे छे यहाँ से, उ हिसाब से 4500 रुपया एक साल में यहाँ सबके कमाए होले, ये कमेलो गले 900 ग्राम के चूजा यदि बेचे छे तब। ये मतलब ये निकाल लिए तब 25 दिन बाद तो ये बेच के ही फायदा भए गले, अब फिर 25 दिन बाद जो इंतजार करबे वो फायदा तो बताओ। ठीक छै बता दिस, काट गो मुर्गा मुर्गी तो वैसे मिली रहलो छै दीदी। हाँ। साल में अगर इंतजार करबे दीदी और 25 दिन तो ई मुर्गा के वजन हो जते 1.5 किलो लगभग। देखलिए दीदी एक मुर्गा के वजन 1.5 किलो होले दीदी अगर इंतजार कर लेलिए 25 दिन। हाँ, और तो 60 × 1.5 = 90 किलो होले। हाँ, 60 मुर्गा के वजन। हाँ, अब दीदी देखवे छिए कि 60 मुर्गा 1.5 किलो के हिसाब से कितना हुए छे वो हम देखा रहलो छे कि 1.5 किलो के दर से 60 मुर्गा के वजन की हुए छे। नब्बे किलो मुर्गा के दाम 90 × 100 9000 टका होले। अब देखना ही छे कि
अपनो खर्चा एहिमे 25 दिन पर भी बेचलियै तऽ वएह 900 रुपया के लागत लगलै, आ 25 दिन और इंतजार करके बेचलियै तभियो 900 के लागत लगलै। 900 रुपया लागल छै, तो 900 रुपया ई लागत बाद करी कभी 8100 रुपया के यहाँ का फायदा भेल। यदि यह तरीका से बेचबे बाकी हर बार मुर्गी तो वह तरीका से 8100 रुपया के फायदा हो। जानकारी नहीं रहे भैया कि जे एक साल में इतना फायदा हो रहे। पिछला बार बेचले रही 25 दिन रखले पर 4500 रुपया फायदा होल, अब की बेर 50 दिन रखी के अगर बेचे छे 8100 रुपया के फायदा छे। यह अंतर छे दीदी 25 दिन में बेचले पर और 50 दिन में बेचले पर। अब दीदी 50 दिन में बेचले पर एक साल में कुल कीमत 8100 रुपया दीदी आर के मिले छे। अगर दीदी आर 50 दिन मुर्गी के मदर यूनिट से लेला के बाद पोस के बेचे छे तो अब दीदी देखना ही छे कि जे तरीका से आज अपना से बेची लो रही है मुर्गी 25 दिन पर 900 ग्राम के मुर्गी, उ हिसाब से कितना पैसा यहाँ सबके एक साल में 900 ग्राम के बच्चा बेचले पर कितना हुए छे। इस हिसाब से यहाँ सबके 4500 रुपया केवल हुए छे। 25 दिन रखे चाहे 50 दिन रखें, वही में मुर्गी में और कोनो लागत छे? लागत उगत काटी के नहीं फायदा देखा रहल छे। इस हिसाब से तो ही देखी ले 50 दिन पर बेचले पर की लाभ छे और 25 दिन पर बेचले पर की लाभ छे। अब यो तोरा हम देखा देवे कि 25 दिन पर बेचले से तोरा साल में कितना के घाटा रहे, कितना नुकसान हुए रहे, वो हम बता दे छिए अभी एंटी जोड़ी के। अब यदि घटा के देखा रहल छिए कि कितना यहाँ पर दीदी आर के नुकसान हो रहलो रहे एक साल में, कितना के दीदी के नुकसान होलो छे। 3600 रुपया जे छे दीदी यार यदि 25 दिन में बेचे छे तो 3600 रुपया के दीदी का नुकसान छे। और यदि वह दीदी यह मुर्गी का अगर 25 दिन और इंतजार करी ककरो बाद बेचे छे तो 3600 के फायदा छे प्रति एक साल। जहाँ 3600 घाटा लगे वहाँ 3600 के फायदा छे। ओ भैया हमू करबे नहीं तो हमरो ने फायदा होता है। हाँ सब दीदी के लिए छे यह सेम फायदा। ई बात समझे के छे सबसे अधिक दीदी आर के कि एहन की छे मुर्गी के। पहले तो जरूरी रहे 100-200 तो बेच ले रही है, आप मतलब छे कि साल भर के फायदा देख करके आप नहीं बेचबे, 50 दिन के बाद ही बेचबे। अचानक जे एतै ना 10-20 के जरूरियो लगतै तो नहीं बेचबे, उसे कहबै कि 2 महीना के बाद बेचबे, अखनी जरूरी से नहीं बेचबे। अब हमू समझी गेलिए भैया, पहले नहीं समझे रहिए कि 50 दिन से पहले आप मुर्गा मुर्गी नहीं बेचबे, अब समझी गेलिए ये बात की आब नफा एहिमे हुए छे। ठीक छे और अच्छा बात छे समझ गेलिए तो ठीक छे। यदि यहाँ सब जे समझलिए तो एकरा लिए हम यह उम्मीद करे छिए कि यहाँ सब भी आप जे भी 2-4-5 दीदी जे भी छे ओकरा आर के समझेबे, यह तरीका सब ओकर के बताए देबे ताकि ऊ आर भी यह तरीका से फायदा उठाबे। ठीक छे दीदी, ऐसे ही बात सब दीदी का जानकारी मिल जेते कि कब बेचना चाहिए कब नहीं बेचना चाहिए, 25 दिन पर बेचले पर कितना घाटा छे और 50 दिन पर बेचले पर की लाभ छे। ई हर चीज दीदी आर का समझ में आते, ई हर चीज के ज्ञान सब दीदी का देना छे। ठीक छे दीदी, अब हम चले छे जे समझेले छे यह हिसाब से 25 दिन बाद अब हम फेन एबे तब देखबे कि दीदी आर हमरा समझेलका के मुताबिक मुर्गी 25 दिन बाद बेची का लाभ उठवे छे। ठीक छे, ठीक छे, तब चले छे हम। अस्सलाम वालेकुम सलाम।